खोने कॉलेज। आज मां बुलाया गया था। चलो बच्चा देखो, हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको कैलेंडर के बेसिक के बारे में बताया, उसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको सिंगल डेट निकालना बताया है, और आज जो हम लोग सीखेंगे वो डबल डेट के बारे में सीखेंगे। कौन सा सीखेंगे? डबल डेट, कि कैलेंडर में जो है डबल डेट कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग फटाक से डालो। ठीक है, डबल डेट, डबल डेट वाले क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, किस तरीके से होते हैं पहले आपको हम ये तो बता ही चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो कि डबल डेट वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे। मान लो कह देगा आपसे कि बताइए 20 जून ठीक है 1945 को सोमवार था, तो बताइए ठीक है 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन होगा, ऐसे क्वेश्चन देगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान सुनिए मेरी बात, क्या बात ध्यान सुनना है कि 20 जून 1945 को अगर आप चेक करेंगे तो हो सकता है सोमवार ना हो उस दिन, और कोई दिन हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको जो डबल डेट में क्वेश्चन देता है, जो डबल डेट में क्वेश्चन देता है वो जो आपकी डेट दी गई है उसका दिन वही हो, ये ज़रूरी नहीं होता है, अलग हो सकता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं तो अगर ऐसा हो, देखो अगर ऐसा हो कि जो 20 जून 1945 को दिन था जो, ठीक है, तब फिर इसको सिंगल डेट वाले मेथड से ही कर सकते हो। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हमने कहा 20 जून 1945 को अगर हमने कह दिया सोमवार है, तुमने चेक किया 20 जून 1945 को निकल के आ रहा है बुधवार, तो मतलब ये तो गलत बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, बताने दो। वो ये कह रहा है कि जो हम दिन बता रहे हैं उसी के हिसाब से एक निकाल के बताओ। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन लगाने के कई मेथड हैं। ठीक है, इसके भी कई मेथड होते हैं, इसमें जो तुम्हें ऑड डेज वाला मेथड है ये भी है। ठीक है, कंपेयर करके लगाया जाता है, वो हम आपको भी बताएंगे, सब बताएंगे मेथड। लेकिन इसमें भी टाइप होते हैं, डबल डेट में भी कई सारे टाइप होते हैं। ठीक है, क्या टाइप होते हैं वो हम समझेंगे। डबल डेट वाला जो क्वेश्चन होगा इसमें भी कई सारे टाइप होंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया पहले ये बताओ। ठीक है, तो तीन टाइप यहाँ पर होंगे, कौन कौन सा टाइप होगा तो हम बताते हैं आपको। देखो पहले टाइप डबल डेट में, डबल डेट में हम लिख दे रहे हैं ऐसे, डबल डेट, डबल डेट। ठीक है, कि क्वेश्चन में तीन टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? तीन। पहला टाइप देखो, ध्यान सुनिए, ऐसे बना देते हैं, दिख रहा है उसमें? ठीक है, पहला जो टाइप होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, डेट, ये लिखा हुआ डेट यानी दिन, ये लिखा हुआ मंथ, महीना, ईयर, साल। तो पहले वाले टाइप में क्या होगा, देखिए सुनिए, ये हो गया डेट, ये मंथ, ये ईयर। ठीक है, तो पहले वाले टाइप में क्या होगा कि इसमें क्या होगा, तुम्हारा जो डेट है वो समान नहीं होगी, मंथ समान होगा, ईयर समान होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा। दूसरे टाइप में आपको क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं, देखिए टाइप नंबर टू में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, टाइप नंबर टू में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसमें क्या होगा कि डेट, मंथ, ईयर तीनों लोग हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो समान होता है वो क्या क्या होता है ये समझिए, इसमें डेट भी नहीं समान होगी, मंथ भी नहीं समान होगी, बस ईयर समान होंगे। क्या समान होंगे? ईयर। अगला देखिए, अगला टाइप का जो क्वेश्चन है इसे मिटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगला टाइप का जो क्वेश्चन है इसी में, उसमें क्या होगा, टाइप वन, टाइप टू और टाइप थर्ड में, इसमें ना तो डेट समान होगी, ना तो मंथ समान होगा, ना तो ईयर समान होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना? ना तो डेट समान होगी, ना तो मंथ समान होगा, ना तो ईयर समान होगा। कह दो ये कैसा, किस टाइप के क्वेश्चन बता रहे हो आप? तो अभी आप पहले समझिए, ये तीन टाइप के क्वेश्चन टोटल यहाँ पर आपको मिलेंगे। कितने टाइप के मिलेंगे? तीन टाइप। पहला टाइप में डेट समान, डेट नहीं समान होगा, मंथ समान होगा, ईयर समान होगा। जैसे क्वेश्चन हम आपको देते हैं, समझिए किस टाइप का क्वेश्चन होगा। हमने कह दिया 15 जनवरी, ठीक है, 2003 को सोमवार है, तो बताइए, ठीक है, डेट नहीं समान होगी, मंथ समान होगा, तो बताइए 30 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। कितना सरल है, देखो डेट समान है क्या, मंथ समान है, जनवरी जनवरी, ईयर समान है, तो इस टाइप में इसका मेथड अलग है,
तो हमने क्या बताया, इसमें डेट नहीं समान है, मंथ समान है, ईयर समान है, तो ये पहला टाइप हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले टाइप में करेंगे, ठीक है। दूसरे टाइप में क्या होगा, ना तो डेट समान होगी, ना तो मंथ समान होगा, ईयर केवल समान होगा। जैसे हमने कह दिया 1 जनवरी, 1 जनवरी 1946 को रविवार है। ध्यान से सुनिए, टाइप पहले समझ लीजिए, फिर उनको सोल्यूशन हम सब बताएंगे आपको। तो बताइए 30 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें देखो ये दूसरा टाइप हो गया, इसका दूसरे टाइप का उदाहरण हो गया। इसमें क्या कह रहा है, देखो डेट समान है क्या, नहीं समान है। मंथ समान है क्या, नहीं, अलग अलग मंथ है। ईयर लेकिन समान है, ईयर क्या है, समान। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। तीसरे टाइप में क्या होगा, जो अभी पूछा था, 20 जून 1945 को सोमवार, तो बताइए 31 अगस्त, ठीक है, 1947 को कौन सा दिन होगा। इसमें देखो डेट समान है, नहीं समान है। मंथ समान है, नहीं समान है। ईयर समान है, नहीं समान है। तो तीसरे टाइप में इस तरीके के क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का उदाहरण हमने लिख दिया है नीचे, ठीक है। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन का उदाहरण लिख दिया नीचे, ठीक है। और ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन का उदाहरण हमने नीचे लिख दिया। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये फर्स्ट टाइप का है, ये सेकंड टाइप का उदाहरण है, और ये थर्ड टाइप का उदाहरण है। क्लियर, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो अब हम सबसे पहले जो चालू करेंगे सॉल्व करना, वो हम लोग फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है इसके मेथड को देखेंगे, और इस पर बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। फिर सेकेंड टाइप, फिर थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में भी दो टाइप होता है, वो हम आएंगे जब थर्ड टाइप पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो पहले आप इतना बेसिक लिख लीजिए कि डबल डेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन टाइप का लिखता है, और फिर हम पहले टाइप का उठा के शुरू करते हैं। नोट करेंगे लो सर, ठीक है। देखो बच्चा, तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टाइप फर्स्ट का, ठीक है, जिसमें डेट नहीं समान है, मंथ समान है, और ईयर समान है। तो देखें बच्चा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए आप लोग। सारे मेथड जितने हम आपको बता रहे हैं, इन्हीं मेथडों की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। तो देखेंगे इसको मेथड, इसका जो है किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखें, डेट जो है समान नहीं है, मंथ समान है, और ईयर दोनों समान है, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो भी डेट दी गई है उसको घटा के उसका अंतर निकालना है। क्या करना है बच्चा, घटा के अंतर निकालेंगे। तो देखो, घटा के 25 में से 2 गया कितना बचेगा, 23। देखो घटा के अंतर, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसको इसमें घटाओ तो आ जाएगा अंतर, कितना आ जाएगा, 23। तो घटा के क्या निकालेंगे, अंतर। तो पहले लिख देते हैं, पहले स्टेप में क्या करना है, घटा कर अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर निकालना। ये अपना ऐसे ही लिखना पेपर में, उसमें अपने नोट्स में, ठीक है। तो घटा कर जो डेट दी गई है, डेट को घटा करके अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो हम बिल्कुल आपको एकदम पहले मेथड तरीके से बता दे रहे हैं, फिर बाद में जल्दी जल्दी करेंगे। तो 25 में से 2 गया, कितना बचा, इसे लिखेंगे 23। तो 25 - 2 तो कितना आ जाएगा, 23। तो 23 आ गया, ठीक। अब जब 23 आ गया, तो 23 आ गया तो और डेज अब निकालने होंगे, मैं क्या निकालने होंगे, 23 में, क्योंकि 23 टोटल आया अंतर। अब इसके और डेज निकालने होंगे, क्या निकालेंगे, और डेज। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ठीक है, और डेज, और डेज निकालना। तो और डेज निकालना है अब दूसरे स्टेप में। तो और डेज कैसे निकाले आते हैं, आपको मालूम है, जो अंतर आया है ना उसी में से 7 का भाग दे करके और डेज निकालेंगे। तो 7 का भाग हम इस तरीके से दे रहे हैं आपको, बिल्कुल बेसिक तरीके से। 23 में 7 * 3 = 21, 7 * 4 = 28 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 7 * 3 = 21। कितना बचा, 2। कितना शेष बचा, ठीक है। तो जो ये 2 आया है, और डेज यही है, क्या आया है, 2, और डेज यही है, ठीक है। अब जो और डेज आया, ध्यान सुनेंगे, अब यहाँ पे जो पॉइंट बताने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और डेज जो आया है, ठीक है, ध्यान सुनेंगे, जो और डेज आया, पहला काम इसका, जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो, पहला काम इनका अंतर निकालना है, दूसरे काम में क्या करना है, और डेज निकालना है। और डेज निकालने के लिए 7 से भाग देना है, जो यहाँ पे शेष फल होता है वही और डेज होता है, याद रखना, ना तो भाग फल, तुम कह दो और डेज है, ठीक है। तो और डेज हो गया 2, कितना हो गया, 2। अब और डेज जब 2 आ गया, तो जब और डेज आ जाए, जब और डेज का 2 काम करना, ऑड डेज का 2 काम करेंगे,
दो काम कर सकते हैं, ये लिखो, काम दो काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, कौन दो काम कर सकते हैं, देखिए इधर, पहला काम, ठीक है, और दूसरा काम, ठीक है, और डेस्क का दो काम कर सकते हैं या दो काम करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, देखिए, अगर अगर डेट कौन हो, आने वाली हो, कौन हो, आने वाली, हम लिख दे रहे हैं आने वाली, ठीक है, आने वाली जो पूछी गई डेट है, पूछी गई, यह वाली पूछी गई ना, पूछे वाली डेट अगर आने वाली हो, या फिर पूछी गई डेट बीती हुई हो, कैसी हो, बीती हुई, बीती हुई हो, तो अगर पूछी गई डेट आने वाली है तो क्या करेंगे, हम ऑड डेज जोड़ेंगे, ऑड डेज दिन में जोड़ेंगे, तो लिखेंगे ऑड डेज, ऑड डेज दिन में जोड़ेंगे, और अगर बीती हुई डेट है तो ऑड डेज, ठीक है, दिन में घटाएंगे। ये कुछ स्टेप हैं जिन स्टेप में हम इसको कर सकते हैं। स्टेप आपको लग रहा होगा बहुत लंबे चौड़े बता दिए हैं, कोई नहीं, हमने नोट्स के लिए आपकी नोट इस तरीके से करेंगे ताकि आप भविष्य में जो है भूले ना, ठीक है, भविष्य में भूले ना, इसलिए हमने ये पूरा स्टेप बता दिया। तो अब देखें क्या कर रहे हैं हम, ऑड डेज हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकल करके आ गया है ना, ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें ऑड डेज कितना निकल के आ गया, दो, ऑड डेज कितना निकल के आ गया, दो निकल के आ गया क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन 2 जनवरी 2018 में मंगलवार था, क्या था, मंगलवार, तो पूछ रहा है कि 25 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, 2 जनवरी, 2 जनवरी पहले आएगा कि 25 जनवरी, 2 जनवरी पहले आएगा, यानी हमने कह दिया क्वेश्चन में क्या कह रहा, 2 जनवरी यानी आज, आज मान लो 2 जनवरी, 2 जनवरी 2018 को मंगलवार है, तो 25 जनवरी आने वाली है ना, तो 25 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। तो जब आने वाली डेट है, आने वाली डेट है, तो ऑड डेज को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, आने वाली डेट में क्या करते हैं, ऑड डेज को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो देखो किस में जोड़ेंगे, इस दिन में, ठीक है, इस दिन में जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे, आने वाली डेट है ना, तो इसमें जोड़ेंगे, कितना जोड़ना है, ऑड डेज कितना है, दो, तो दो जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, दो, तो दो, दो जोड़ेंगे, तो दो जोड़ेंगे, तो देखो मंगलवार था, मंगलवार में दो जोड़ो, मंगलवार में दो जोड़ो, तो मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, तो यानी इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार, कौन सा हो जाएगा, गुरुवार, ये इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये प्रश्न का आंसर, बात नहीं समझ में आई, यानी 25 जनवरी 2018 को गुरुवार होगा। ये पूरा बेसिक मेथड हमने आपको बता दिया है, अब एक थोड़ा सा चीज़ और आपको बताते हैं, क्या बताते हैं वो सुनिए, ठीक, देखो तो ये बात आपको समझ में आई, अब एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, देखिए जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, 15 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर 2023 को बुधवार है, क्या है, बुधवार, तो बताइए आप लोग 30 सितंबर, 30 सितंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो सरल सा, बिल्कुल बहुत आसानी से लगेगा ये क्वेश्चन, कैसे, अब बस हम स्टेप स्टेप नहीं बताएंगे, स्टेप हमने समझा दिया इधर, सीधा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम, इनका अंतर निकालो, जैसे दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन, अच्छा ये समान, ये समान, इनका अंतर निकालो, 30 में 15 गया, कितना बचा, 15, कितना गया, 15, सीधा ऑड डेज निकालो, ऑड डेज निकालने के लिए 7 से भाग लगाओ, तो 7 एकम 7 दूनी 14, ऑड डेज कितना बचा, 1, ऑड डेज कितना बचा, ऑड 1, अब 1 अगर ऑड डेज बचा है, तो जो ऑड डेज आया है वो देखो कि 30 सितंबर पहले आया था कि 15 सितंबर, तो 15 सितंबर पहले आया था, ये आने वाला है, अगर आने वाला है तो ये मां जोड़ेंगे एक दिन, क्या करेंगे इसमें, एक दिन जोड़ेंगे, तो बुधवार में अगर एक दिन जोड़ देंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा, बुधवार के बाद एक गुरुवार, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुरुवार, क्लियर, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देते हैं,
अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कह रहा है कि इसमें कि 30 दिसंबर 2005 को शनिवार है, तो बताइए 5 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। तो बच्चा इसमें देखो, आप ध्यान से अगर देखो तो 30 दिसंबर यानी आज 30 दिसंबर है, हम पूछ रहे हैं 20 दिसंबर पीछे वाला, 5 दिसंबर आज 30 दिसंबर है, 5 दिसंबर गुजर चुका होगा कि नहीं, तो 30 दिसंबर 2005 को शनिवार, तो 5 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। तो कोई बात नहीं, अंतर पहले निकालो, अंतर निकालेंगे तो 30 में 5 गया 25, अब 25 में क्या निकालना, और डैश 7 का भाग देखिए, ठीक है 7 3 21 कितना आया, और डैश 4 आया। अब जो और डैश है ये निकालने के लिए इस और डैश को इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, क्यों घटाएंगे देखो, क्योंकि पीछे वाला पूछ रहा है, जो गुजर गया है उसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो 4 दिन इसमें घटाएंगे, शनिवार में क्या करेंगे 4 दिन घटाएंगे, तो शनिवार है जो देखो इधर, शनिवार जो शनिवार पीछे जाना यो शनिवार, शनिवार यो शनिवार मान लो, आज शनिवार, शनिवार से एक दिन पीछे जाइयो रविवार, रविवार से एक दिन पीछे जाइयो सोम, रविवार से एक दिन पीछे शनिवार, शनिवार से एक दिन पीछे देखो, पहले रविवार फिर शनिवार फिर शुक्रवार, शुक्रवार से पीछे जाओ, शुक्रवार से पहले गुरुवार आता है और गुरुवार से पहले बुधवार, तो 4 दिन पीछे तो कहा जी है बुधवार, कहा जी है बुधवार, ठीक है गड़बड़ कर दिया क्या, गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ संडे जोड़ दिया, अच्छा ठीक, तो शनिवार से जाना है ना, इसे गिन लो अपना उंगली पे पहले गिनो, ठीक है शनिवार पे जाना है, तो ये शनिवार है, शनिवार को छोड़ो 4 दिन जाना पीछे, शनिवार के पहले कौन सा दिन आएगा शुक्रवार, फिर शुक्रवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद फिर बुधवार, बुधवार के बाद फिर मंगलवार, तो मंगलवार आ जाए, क्या आ जाएगा मंगल, क्या आ जाएगा मंगलवार, आ समझ में कि नहीं, ठीक है। एक चीज़ और तुम्हें बता दें, मान लो पीछे इसे गिनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अगर, ठीक है अगर पीछे ऐसे गिनने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो तुम क्या कर सकते हो, शनिवार में पीछे जाने में घटाने में दिक्कत हो रही है, तो इसमें 3 जोड़ भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं 3 जोड़ भी सकते हैं, बात नहीं समझ पाए, ठीक है हमने क्या बताया टोटल दोनों का जोड़ या 7 आना चाहिए, तो अगर घटाने की बात हो रही है तो 3 जोड़ो शनिवार में, 3 जोड़ो तब भी वही दिन आ जाएगा, 3 जोड़ के देखो शनिवार में, तो शनिवार है, शनिवार के बाद फिर कौन दिन आएगा अगला रविवार, रविवार के बाद फिर कौन आएगा सोमवार, सोमवार के बाद फिर कौन आएगा मंगलवार, तो घटा नहीं पा रहे पीछे का तो जोड़ भी सकते हो, बात समझ पा रहे हो, तब भी मंगलवार आ जाएगा, हैं कम नहीं करना है, दोनों का योग 7 होना चाहिए, उसी को जोड़ना होगा, ठीक है क्लियर, नहीं समझ में आया तो अपना घटा लो सीधा, पहले नोट करो इसको फिर आगे बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं ये वाला तरीका कि कभी मान लो घटाने में थोड़ी दिक्कत, देखो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित बच्चा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी महिला का जन्म 30 अगस्त को हुआ, उस दिन रविवार था, ये रविवार थोड़ा छुट गया इसको ऊपर लिख दिया है, उस दिन रविवार था, और उसकी मित्र का जन्म, उसी महिला की मित्र का जन्म उसी साल के उसी माह में 2 तारीख को हुआ, तो उसकी मित्र का जन्म किस दिन हुआ था, बात समझ पाया, ऐसे थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन दे देगा तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे इसको, कह रहा है किसी महिला का जन्म जो है, कोई महिला है उसका जन्म जो है 30 अगस्त को हुआ, ठीक है, और कोई साल रहा होगा पता नहीं, साल नहीं दिया है, लेकिन उस दिन कौन दिन था, उस दिन रविवार था, उस दिन कौन दिन था रविवार था, ठीक है। अब आगे कह रहा है और उसकी मित्र का जन्म उसी साल, मित्र का जन्म भी उसी साल हुआ है, तो साल दिया नहीं है, इसे सीधे सुना लेंगे, उसी साल के उसी माह में 2 तारीख को हुआ, तो 2 तारीख उसी माह के 2 तारीख को हुआ, तो उसी माह की 2 तारीख मतलब 2 अगस्त, ठीक है, तो बताइए उसकी मित्र का जन्म जो है किस दिन हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखें, यानी यहाँ पे 30 अगस्त को महिला का जन्म हुआ था, 30 अगस्त आज है मान लो, और 2 अगस्त की तारीख पूछ रहे हैं, 30 अगस्त आज 2 तारीख को पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे घटा देंगे पहले इसको, 28 बचा, 7 से भाग दे देंगे, 7 4 28 पूरा पूरा कट जाएगा, शेष कुछ बचा नहीं, बचा शेष जब बचा ही नहीं तो घटाएंगे क्या जोड़ेंगे क्या, तो 0 जोड़ो भैया, 0 जोड़ो 0 घटाओ, ठीक है, तो मतलब फिर रविवार को ही उस महिला का भी जन्म हुआ था, नोट करें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बच्चा देखो कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि किसी महीने के 22 तारीख को सोमवार है, तो बताइए उसी महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन ऐसा है लेकिन हमने इसे लिख दिया है, ठीक है,
किसी महीने की 22 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो कोई बात नहीं, हमारा एक वही काम, तुरंत सबसे पहले डेट पकड़ो, घटा दो, 20 आ जाएगा। क्या आ गया 20? फिर क्या करना है? भाग लगाना है 7 से, 7 × 2 = 14 कितना बचा? 6। तो अब देखो इस 6 का करना क्या है, जोड़ना है होगा या तो घटाना होगा। तो अगर डेट ये 22 तारीख, आज 22 है, आज यही समझो तो, आज 22 तारीख है, और 2 तारीख बताओ, 22 तारीख को है सोमवार आज, और 2 तारीख यानी बीती हुई है ना, बीती हुई, तो 6 घटाना पड़ेगा ना, तो इसमें 6 का करना पड़ेगा घटाना, इसमें अगर 6 घटाना पड़ेगा, एक चीज़ देखो, तो 6 घटाना बड़ा मुश्किल होगा, सोमवार से 6, सोमवार से 6 घटाना बड़ा मुश्किल है, तो इसे अच्छा बढ़िया जोड़ भी सकते हो, लेकिन ध्यान रखना यूम का मैं जोड़ना एक साथ नहीं बता रहा, क्या मैंने बता रहा, क्योंकि जब बीता हुआ दिन होता है तब घटाते हैं, जब आने वाला दिन होता है तो जोड़ते हैं, तो यानी बीता हुआ दिन को यो वाला दिन जो ना यो बीत चुको, यो वाला आज 22 है, अब 2 पूछ रहे हैं, तो 2 बीता हुआ है कि नहीं, तो बीते हुए में 6 घटाएंगे, लेकिन 6 घटाने का मतलब एक जोड़ना भी होता है, 6 घटाने का मतलब क्या होता है, एक जोड़ना, तो एक जोड़ भी सकते हो, 6 घटाने का मतलब एक जोड़ना भी होता है, कह दो कैसे अभी बता रहे हैं, 6 घटाने का मतलब एक जोड़ भी सकते हो, तो सोमवार में एक जुड़ी हो तो मंगलवार क्या आ जाएगा। अब ये मैं तुम घटा के भी देख लो कि तो भाई जी हम नहीं माना, तुम सोमवार से घटाओ, चलो पीछे से सोमवार, तो सोमवार से पीछे चलना, सोमवार से पीछे चलना, तो लिख देता दिन या तो अपना दिमाग में चेक कर लो, ठीक है, तो सोमवार से उल्टा चलो, उल्टा पीछे की ओर, सोमवार के पहले कौन दिन है, रविवार, सोमवार के पहले देखो रविवार, रविवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर बुधवार, फिर मंगलवार, 6 दिन चले तो मंगलवार होगा, मंगलवार, ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है, आया क्लियर समझ में आया? तो देखो इसको भी आप ये नोट कर लें कि मतलब कभी भी ऐसा पड़ जाता है, हालांकि पहले देखो, पहले आप ध्यान सुनिए मेरी बात, जब भी पीछे वाली डेट हो तो घटाया जाता है, आने वाली डेट हो तो जोड़ा जाता है, तो पहले यही ध्यान देना है कि इसमें पीछे वाली डेट पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे -6, बात पहले पड़ रही है कि नहीं, लेकिन -6 को घटाने के अलावा -6 को हम +6 + 1 भी पढ़ सकते हैं, कैसे, देखिए जहाँ कहीं अगर इसको नोट करके कहीं लिख लें कि जहाँ कहीं अगर जोड़ने की बात हो, मान लो अगर एक जोड़ने की बात हो, एक जोड़ने की कहीं पर दिया गया हो, ध्यान सुनिए, कहीं अगर एक जोड़ने का दिया गया हो तो हम वहाँ 6 घटा भी सकते हैं उसकी जगह, कहीं अगर 2 जोड़ने को दिया गया हो तो उसकी जगह हम 5 घटा भी सकते हैं, ध्यान सुने, कहीं अगर 3 जोड़ने को दिया गया हो तो उसकी जगह हम 4 घटा भी सकते हैं, कहीं अगर 4 जोड़ने को दिया हो तो किसी का 3 घटा भी सकते हैं, कहीं अगर 5 जोड़ने को दिया हो तो किसी का हम 2 घटा भी सकते हैं, कहीं अगर 6 जोड़ने को दिया हो तो उसकी जगह एक हम घटा भी सकते हैं, या फिर अगर ऐसे दे दिया जाए, और कहीं अगर तुम्हें 6 घटाना हो, सॉरी 1 घटाना हो तो किसी का तुम 6 जोड़ भी सकते हो, ठीक है, और के रूप में, कहीं अगर 2 घटाना हो तो किसी का तुम 5 जोड़ भी सकते हो, यो फोन लो, ठीक है, कहीं अगर 3 घटाना हो तो की जगह हम 4 जोड़ भी सकते हैं, कहीं अगर 2 घटाना हो 6 जोड़ भी सकते हैं, कहीं अगर गड़बड़ कर दिया क्या, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा 3 1 2 3 4 आएगा, 4 3 के बाद फिर आज, कहीं अगर 4 घटाना हो तो खींचेगा हम 3 जोड़ भी सकते हैं, कहीं अगर 5 घटाना हो तो खींचेगा हम 2 जोड़ भी सकते हैं, कहीं अगर 6 घटाना हो तो खींचेगा 1 जोड़ भी सकते हैं, ये और के रूप में याद कर लें, टेबल के रूप में याद कर लें, एक चीज़ अब देखो जरा यहाँ पे देखो, तो टेबल के रूप में ध्यान रखिए, हमें जोड़ना आसान लगता है, घटाना उल्टा कौन चलेगा, तो अगर कहीं अगर 6 जोड़ना हो, 6 जोड़ना हो तो 6 दिन कौन गिनेगा, उससे बढ़िया एक घटा के ना देख लो, इधर चलो, कहीं अगर 6 घटाना हो तो किसी का एक जोड़ के देख लो, तो ये टेबल भी आप याद कर लेंगे, ऐसा भी हम काम कर सकते हैं, जैसे उसमें चलते हैं, इसका देखिए उदाहरण, देखिए देखो जैसे अगर 15 मार्च 2001 को गुरुवार है तो 30 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसमें घटाएंगे सीधा 15 में से, 30 में से 15 गया, कितना बचा 15, 7 का भाग लगा देंगे, 7 × 14
कितना बचेगा? एक। अच्छा एक आया तो एक का क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे, 15 मार्च दिया यानी आज गुरुवार, आज 15 मार्च है, आज कौन है 15 मार्च गुरुवार। अब 30 मार्च आने वाली है ना, जब आने वाली है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। आने वाली तो क्या करेंगे? जोड़े, एक जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? एक जोड़ो तो गुरुवार में एक जोड़ो कितना आ जाएगा? शुक्रवार। अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी हमने आपको बताया एक जोड़ने का मतलब छः घटाना भी हो सकता है, तो छः घटा के देखें क्या मिल जाएगा। क्या हाँ मिलेगा? देखो गुरुवार से पीछे चलो, गुरुवार आइए, छः पीछे चलना है, कितने चलना है? तो गुरुवार मान लो ये है, गुरुवार के पीछे चलोगे तो बुधवार, बुधवार के बाद फिर मंगल, मंगलवार के बाद सोमवार, फिर रविवार, फिर रविवार के बाद फिर शनिवार, और फिर एक पीछे जाओ शुक्रवार, तो शुक्रवार आया, तो छः घटा कर शुक्रवार, ठीक है। तो छः घटाना ज़्यादा कठिन लग रहा है, एक जोड़ना ज़्यादा, तो जहाँ सुविधा मिले उस हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप नोट कर लें, ठीक है। तो बच्चा देखो एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसी तरीके से जैसे हमने कह दिया क्वेश्चन है ये, देखो 23 सितंबर, ठीक है, 2005 को मंगलवार था, तो बताइए, ठीक है, 2 सितंबर पूरा लिख लेना, 2005 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको इससे घटा देंगे, तो घटाएंगे तो बच्चा आ जाएगा कितना, 21, ये नहीं लेते हैं, दो ना ले, 21 कट जाइए पूरा पूरा, ये लेते हैं 21 की जगह 20 ले लेते हैं, ठीक है, ना 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 कितने लेना, 2 लेना, 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो अंतर 3 लेते हैं क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कुछ, इसलिए तो 23 सितंबर 2005 को मंगलवार, तो 3 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20, अब 7 से भाग लगाएंगे तो 7 × 2 = 14, कितना बचेगा 6, शेष कितना बचा 6। अब देखो ये 23 सितंबर 2005 रहा है, तो 23 सितंबर 2005 आज है मान लो, अब आज के दिन है मंगलवार, अब पूछ रहे हैं हम 3 सितंबर, तो पीछे जा रहे हैं ना, और जब पीछे वाला पूछा है तो क्या करो जाती, घटा हो जाती, क्या करो जाती घटा, तो 6 घटा दो, 6 घटाने का मतलब एक जोड़ना भी होता है, 6 घटाने का मतलब क्या होता है, तो एक जोड़ना ज़्यादा सरल रही है कि 6 घटाना सरल रही है, एक जोड़ना ज़्यादा सरल रही है, तो एक जोड़ो मंगलवार में, एक जोड़ो तो बुधवार, आ गया बुधवार, ठीक है, आ गया बुधवार। तो इसी तरीके से आप और अपने हिसाब से क्वेश्चन बना लें और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो टाइप फर्स्ट जो आज समाप्त हो गया है, अब हम लोग टाइप सेकेंड में कल मिलेंगे, ठीक है, कल के वीडियो में। तो टाइप सेकेंड में जिसमें क्या होगा, मंथ भी अलग होगा, डेट भी अलग होगी, ईयर बस सेम होगा, तो उस टाइप को हम लोग कल समझेंगे, और फिर हम लोग टाइप थर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। काए